ओके गाइस, मैं आया हूँ यहाँ पे विकासपुरी में, एक जिम है विच इज़ बाय द नेम ऑफ स्पार्टन्स। वो इसलिए मैं आया हूँ बिकॉज यू नो मेरे पास कई क्वेरीज आ रही थी, रिक्वेस्ट आ रहे थे फ्रॉम पीपल, फ्रॉम यू ऑल द गर्ल्स एंड गाइस आस्किंग मी कि सर हम वेट लॉस कैसे कर सकते हैं, आप मसल बार के बारे में बात करते हो, मसल गेन के बारे में बात करते हो, पैकिंग ऑन मसल्स एवरीथिंग, बट वी नेवर टॉक अबाउट फैट लॉस। फैट लॉस कैसे हो सकता है और हम फैट लॉस बोथ मेल एंड फीमेल कैसे कर सकते हैं, दैट टू नेचुरली। बिकॉज आजकल आप किसी जिम में भी चले जाओ, किसी ट्रेनर्स के पास भी चले जाओ, सबसे पहले वो या तो आपको सप्लीमेंट रिकमेंड कर देते हैं या साइकिल रिकमेंड कर देते हैं। Especially women, how do women can lose weight? You know, naturally वो भी fat loss चाहे वो उनकी thighs से हो, चाहे उनके arms से, और males for that matter, वो कैसे lose कर सकते हैं अपना belly fat? So मैं आया हूँ इस gym में विकासपुरी Spartans, जो कहते हैं कि you know we are the specialist, हम 6 साल से weight loss करा रहे हैं naturally, different male and female. Let's talk to these guys and see what they made of. उनसे ही बात करते हैं, सोचते हैं कि पूछते हैं कि वो कैसे weight loss करते हैं। Hello. हेलो पाजी। हेलो सर। ओ पाजी, मेरे को करने दो इंट्रोड्यूस, मैं करा रहा हूँ, टेंशन ना लो। हाँ जी पाजी, योर नेम एंड टेल अस अबाउट योर जिम। माय नेम इज लकी वासन। तो यहाँ पर मेल फीमेल एवरीथिंग इज यहाँ पर, ऑल जितने भी हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं किसी भी तरीके से फैट लॉस के लिए या मसल बिल्डअप के लिए, तो हम कराते सबको हैं। बट अभी मेरा फोकस ये है कि हेल्दी, जो जो हेल्दी लोग हैं उनको फिट कराने का। तो अभी जैसे मेरे पास ये बैठे हुए हैं, ये बॉयज है, इसने 40 kg लॉस किया है अभी रिसेंटली इसी के। अच्छा, 40 किलो। हाँ जी 40 किलो, 37 15 kg। अच्छा, ये तीनों का अभी अभी इस टाइम तो यही इनको भूखा मार देते हैं। क्या कर दिया आपने इनको? तो इनकी बॉडी लटक गई होती, भूखा नहीं। ऐसा क्या करा आपने इनको, बताओ? खा करके वेट लॉस हुआ है। आप बताओ ना, क्या करें, कैसे पाजी, अब करते क्या वैसे वेट लॉस स्पेशलिस्ट, कैसे करना क्या होता है इसमें? डाइट कस्टमाइज करते हैं इनकी बड़े सिस्टम से, कि मतलब हाई लो लो कार्ब करके करते हैं। हमारा सिस्टम है कि हम फैट जो हेल्दी लोग हैं इनको खिला कर करते हैं, जो नेचुरली डाइट से, और बॉडी वेट ट्रेनिंग कराते हैं बहुत इजीली, जो ये इजीली कर सकते हैं, जो कर पाते हैं। और बाकी ये बच्चे आपको खुद ही बताएंगे। आप बताओ, ये जो जैसे वेट जो आप कराते हो, वेट लॉस कराते हो, उसमें वेट ट्रेनिंग भी कराते हो? वेट ट्रेनिंग कराते हैं, सिर्फ कार्डियो में भगा भगा स्टार्टिंग में जैसे थोड़ा बहुत पहले बॉडी वेट ट्रेनिंग ही कराते हैं, ज़्यादा नहीं कराते, नॉर्मल कार्डियो ही कराते हैं। तो साथ में डाइट जो है इनकी प्रॉपर चलती है, डाइट का थोड़ा सा फ्लक्चुएट करते रहते हैं। थोड़े क्या खिलाते हैं वैसे डाइट में पाजी? डाइट में सब खिलाते हैं, नॉन वेज वाले को नॉन वेज वाली डाइट खिलाते हैं और वेज वाले को वेज। मतलब बताओ, सैंपल बताओ कुछ, कैसे जैसे लड़की है, मुझे बहुत अच्छी नजर आ रही है, फिट नजर आ रही है, क्या खिलाया आपने इनको ऐसे, जड़ी बूटी बताओ। ये तो जड़ी बूटी अच्छे से खुद ही बता सकते हैं, मैंने तो इनको नॉर्मल डाइट ही जो हमारी कस्टमाइज डाइट। क्या डाइट बताओ ना, वही आप बताओ डाइट क्या। डाइट में इनको मैंने चीज भी खिलाया। अच्छा, और जो भी मतलब पनीर, जो ये अब चीज पनीर चिकन, जो वेज वाले लोग हैं उनको वेज, जैसे तोफू, जैसे नॉन वेज वाले लोग हैं तो उनको नॉन वेज डाइट। अच्छा, तो ऐसा क्या सीक्रेट है पाजी, ऐसे इस जिम में स्पार्टन्स में ऐसा क्या सीक्रेट है कि जो लोगों को जानना चाहिए और आना चाहिए कि मैं यहीं पे वर्कआउट करूंगा, यहीं पे वेट लॉस हो सकता है, ऐसा क्या है? एक पॉजिटिविटी है कि यहाँ पर बच्चे आते हैं देख करके, क्योंकि हमने एक दो ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं किया है, यहाँ पर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन करे आपने पाजी। तो मैं नहीं होंगी 50-60 लोग ऐसे होंगे जिनका 30-30, 40-40 किलो होगा। अभी 40 किलो वाला है कि सामने मुदित बैठा हुआ है। अच्छा, लड़का, इसका 40 kg लॉस हुआ। 40 किलो, 40 किलो। यहाँ पे एसी भी नहीं है, एसी भी नहीं है यहाँ पर, रॉ जिम है हमारा। एसी पहले हमने स्टार्टिंग में लगाया था, बट हमको जो देखा तो रिजल्ट की वजह से प्रॉब्लम था कि बच्चों को चाहिए था कि फ्रेश एयर हो, फ्रेश एयर, तो फिर हमने उतरवा दिए यहाँ से, एसी भी उतरवा दिया आपने। अच्छा, एक बात बता, आजकल लड़के लड़कियों को बड़ा यू नो एस्थेटिक्स पे शौक है कि पतले होना है, जल्दी फिट होना है, सेट होना है। आप क्या स्टेरॉइड्स भी रेकमेंड करते हो, कि आजकल हर जिम की ट्रेनर की जुबान पे एक ही नाम होता है, साइकिल साइकिल साइकिल? नहीं, हम किसी को मतलब अपनी तरफ से हम किसी को रेकमेंड नहीं करते, किसी को अपने आप ले ले तो ले ले, हम नहीं, अपनी मर्जी से कोई कुछ भी करता रहे। हमारे पास जो जिनको हम करा रहे हैं, जो हमारे अंडर है, वो तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, और कोई फैट बर्नर यूज नहीं करते। इवन कि ये जो लड़का है, ये मुदित, ये तो मेरे पास बीपी का पेशेंट आया था। अच्छा, हाँ जी, ये किसी जिम जाता होगा मतलब मुझे नहीं पता, बट इसने मेरे को बोला कि सर मैं तो आ गया, मुदित आ गया। हाँ जी, हाँ जी, मुदित। हाँ, तो इसने मेरे को बोला कि सर मैं तो फैट बर्नर मैंने लिया था, मेरे को तो बीपी की प्रॉब्लम है, मेरा वेट लॉस हो सकता है क्या? हाँ, फैट बर्नर की हार्ट रेट की प्रॉब्लम थी, बीपी की गोली भी खा रहा था ये। अब भी खा रहे हो क्या? नहीं, अब तो बिल्कुल कोई इशू नहीं है, सब इशू सही है। ये फैमिली में थी बीपी की प्रॉब्लम? नहीं नहीं नहीं, मैंने जब फैट बर्नर लेना स्टार्ट किया तो उसी से मेरे को इशू हुआ। मैं जब डॉक्टर को, कितने साल के मुझे तुम? मैं अभी 22 का। 22 के से? अच्छा, तो 22 में आपने 40 किलो घटाया, 21 के अभी, मतलब 21 वेट गेन कैसे? फैमिली हिस्ट्री में सारे मोटे हैं कैसे? वेट कोई नहीं, सब फिट है, एकदम फिट है। तुम कैसे मोटे हो गए थे? नहीं, एक्चुअली में क्या हुआ था, मैं स्टार्टिंग से नहीं था फैट, तो मेरा एक बार लिगामेंट टियर हो गया था, बास्केटबॉल खेलता था मैं, दिल्ली रिप्रेजेंट करता था, तो उसके बाद बेड रेस्ट था मैं अराउंड 7 months का, उसी में वेट पुट डाउन, उसमें वेट पुट डाउन हो गया मेरा, तो मैं 124 kg का हो गया था। और आप कितना घटाए? 126 का था। मैं फिर किसी जिम में गया, फैट बर्नर्स लिए, 2 years वेस्ट किए,
फिर मैं बाजी के पास आया, 124 था मेरा वेट। अच्छा, अब 84 के अराउंड, 84-85 के अराउंड। ऐसा क्या करे भाई, यानी कोई सप्लीमेंट दिए नहीं दिया आपने? वही था कि ये सब, इसने मेरे को बोला कि भैया मैं तो ब्लैक कॉफ़ी भी नहीं पी सकता क्योंकि बीपी का, हाँ क्योंकि बीपी का इशू था इसको। तो फिर इसको वही डाइट, जो मैं इसकी डाइट में ऊपर नीचे करता रहा क्योंकि ये कुछ खाता नहीं था बेसिकली ना। तो क्या ऐसे जिनको आप मुझे बताओ, जिनको बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर, उनको वेट लॉस करना, वैसा क्या बोलोगे भाई जी? मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि आप नॉर्मल फैट फ्री डाइट खाओ, नॉर्मल नेचुरली डाइट खाओ। खाना बंद कर देते हैं लोग एक्चुअली ना, मोटे लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है। इसको खाना बंद नहीं कराया था मैंने, मैंने इसको बोला कि अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाने के लिए बोला, मैंने कोलेस्ट्रॉल चेक कराओ, अगर कोलेस्ट्रॉल ठीक है, अगर कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, तो फिर मैंने इसको फैट खिलाया उसके बाद में ना। मुझे तो कीटो डाइट क्या कर रहे हैं? कीटो डाइट, मैं कीटो डाइट अभी नहीं चलाता क्योंकि ये कोई बॉडी बिल्डर तो है नहीं, इनको कीटो डाइट सिक्स पैक नहीं निकाल लेना। लक्की पाजी एक बात बताओ, जो आपको देख रहे हैं सारे, एक बात बताओ सारे आपको देख रहे हैं, तीन चीजें ऐसी जो बीपी पेशेंट के को हो, जो हो, जिनको बीपी होता है, वो कैसे वो तीन चीजें कर सकते हैं, उनका वेट लॉस हो जाए? तीन चीजें आप, तीन चीजें ये है कि एक तो पानी नहीं पीते, पानी पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए, ठीक है, ज्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। अच्छा, क्यों ज्यादा ठंडा पानी क्यों नहीं पीना? ज्यादा ठंडा पानी पीना बेसिकली क्या है कि जो ठंडा पानी होता है उसकी तासीर गर्म होती है, तो ठंडा पानी नहीं पीना, नॉर्मल पानी पी सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल पानी पीना। होगा क्या ठंडा पानी पीने से? ठंडा पानी पीने से बीपी पे क्या असर है उसका? बीपी के, बीपी पे यही असर है कि गर्म कोई भी चीज जाएगी बॉडी के अंदर, उसकी तासीर गर्म है, वो आपके हार्ट रेट ऊपर ले आएगी, नहीं तो आप कोई बंदर नहीं सुना पड़े। एनीवेज, आई गो विद यू। नंबर टू यही है कि वो नॉर्मल वॉक करें, मॉर्निंग वॉक जरूर करना चाहिए, दूध पानी पिए और वॉक करें। हाँ, तीसरी चीज फैटी मिल्क ना, जो जैसे कि डबल टोन मिल्क पिए। अच्छा, इंस्टेड ऑफ होल क्रीम मिल्क आप उसको स्किम मिल्क पिलाओ। यही हाँ, तीन हाँ, चीजें हाँ, बस नहीं, ऐसा कुछ तो और होगा, कोई जड़ी बूटी बताओ। जड़ी बूटी है कि उसको रेगुलर खाना जो है, जो डाइट है वो प्रॉपर लेनी है। तो बीपी को इसको अपना कुछ नमक की कुछ इसने कंट्रोल नहीं करना? हाँ, नमक, हाँ सॉरी नमक बोलना मैं भूल गया, नमक जो था, नमक हाँ, जो है वो तो मतलब कम ही लेना चाहिए, लेना ही नहीं चाहिए। अच्छा, बेसिकली इसके लो सॉल्ट ऑप्शंस भी आते हैं, कई आते हैं, बट दिस इज रिमार्केबल, आपने 40 किलो वजन घटा दिया बीपी पेशेंट का बिना फैट बर्नर्स के, दिस इज कमेंडेबल। गाइस, अगर आपको भी अगर वेट लॉस करना है, यू नो देयर इज अ स्पेशलिस्ट राइट हियर, हमारे लक्की पाजी, डू ड्रॉप इन, इनका जिम मैं इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, इनका मैं नंबर डाल दूंगा। दोनों भाई हैं, बहुत ही अच्छे डेडिकेटेड भाई हैं, जो वेट लॉस की जर्नी में सबका आपका सपोर्ट कर सकते हैं, 6 साल से यहाँ विकासपुरी में कर रहे हैं। डू कम टू दिस जिम, चेक इट। और इनकी फीस कितनी है आपके जिम की? 1500 रुपीज पर मंथ है गाइज आपकी, यू नो एंड ऑब्वियसली इट्स वेरी अफोर्डेबल। यहाँ एसी नहीं, अगर आप एसी के उससे आएंगे तो अभी आपको एसी नहीं मिलेगा, विच इज वाई इट इज वेरी अफोर्डेबल। और आपको जब अच्छा पसीना आएगा तो ऑब्वियसली यू विल फील अ लॉट इज हैपनिंग। सो थैंक यू सो मच लक्की पाजी बात करने के लिए। अरे तो लेट्स सी दैट, अरे मुझे जाने नहीं देंगे लड़की, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन में लड़कियों की भी ट्रांसफॉर्मेशन है, प्लीज कम। आइए आइए आइए, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, आइए। वाओ, मैं आपको पिक दूंगा, ये बहुत जबरदस्त फिट लड़के, अच्छे नहीं? क्या नाम है आपका? गरिमा कृति। गरिमा कृति, क्या बात है। गरिमा कृति हमारे फ्रेम में है, अच्छा हमारे फ्रेम में आ गया जी, थोड़ा आ गया जी, थोड़ा आ गया जी, यस। वाओ वाओ, दिस इज सो गुड। ये इनका वजन कितना घटाया आपने? 15 किलो, आप? I was 80 plus, now I am 60. 20 किलो उनका घटा दिया, आपका कितना घटाया टोटल? 15 किलो, 20 किलो, तो मतलब यहाँ पे ऐसे वजन घट रहे हैं जैसे पता नहीं मैं क्या बोलूं। मेरा एक ये केस है, I have a baby. अच्छा, मेरा ये बड़ा चीज सैग हो गया था जो मेरा अब बहुत लिफ्ट हो गया। तो आपकी स्किन क्या हो गई थी, जो आपकी पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद जो सबको इश्यू होता है वो आपको भी हो गया था? Yes. तो वेट लॉस ऐसा क्या करा पाजी, इनकी स्किन भी ठीक हो गई? अब ये मत बताना पानी पिलाया। नहीं नहीं, पानी पिलाने की नहीं, बट डाइट जो 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 मेन है डाइट है एक्चुअली। लोग खाना बंद कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी स्किन लटक जाती है, बेसिकली यही है। अच्छा, खाना खिलाते हो, दैट द मंत्र ऑफ वेट लॉस। हां, द मंत्र ऑफ वेट लॉस इज खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, दूध कम पियो, मतलब डबल टोन से डबल टोन दूध पियो और खुश रहो। आई थिंक दैट्स व्हाट दैट मैटर्स गाइस। अगर आपको आना है जिम में, डू चेक इट आउट, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इफेक्टिव है, नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन है, आई सपोर्ट इट, अब डू ट्राई इट आउट एंड चेक इट आउट। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, थैंक यू सो मच लक्की पाजी बात करने के लिए। मैं इनके सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स डालूंगा, डू चेक इट आउट।